क्योंकि अमेरिकन्स डायरेक्ट तो मोदी साहब को कुछ नहीं कह सकते। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है। इंडिया को बड़े अच्छे से पता है हमने अपना इंटरेस्ट क्या देखना है, और वैसे भी ये बहुत बड़ी ग्रेट गेम है यार। इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? इंडियंस को बड़े अच्छे से पता है कि हमने पुतिन को क्या कहना है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर वहां साथ बैठा हुआ है तो वो क्या बता रहे हैं मोदी साहब को? वो बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं उनको कि मुझे क्या करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी ये वाली पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है क्या? पाकिस्तान ऐसी फॉरेन पॉलिसी चला सकता है कि उसका प्राइम मिनिस्टर जब एक दफा चढ़ता है जहाज पर तो वो कई मुल्कों का दौरा करके आए? और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रशिया दौरा और ऑस्ट्रिया का दौरा किया, और यहाँ पर जिस प्रकार की गेम खेली है ना, पाकिस्तानियों के तो समझ से बाहर है। आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि चर्चा हो रही है कि भारत को ये क्लियर पता है कि किसके साथ किस प्रकार के संबंध रखने हैं और किससे क्या फ़ायदा उठाना है। अब इसमें भारत को अमेरिका भी कुछ नहीं कह सकता और यूरोप भी कुछ नहीं कह सकता, भारत जो मन में आता है वो करता है। तो मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तो इसको, ये बड़े लोग बातें कर रहे हैं, वो जी ज़ेलेंस्की ये कह रहा है वो कह रहा है, ठीक है जी। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हमने अपील कर रहे हैं कि जंग बंद कर दो, ठीक है जी। लेकिन आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी के कहने पे पुतिन करेगा? नरेंद्र मोदी ये जरूर कहेगा कि हमारे जो इंडियन नेशनल्स हैं जिनको जो गलती से रशियन आर्मी ज्वाइन करा दी गई है और ट्रैवल एजेंट्स वो उनको कहीं फंसा गए हैं, उनको कहीं इंडियन वो रशियन आर्मी से निकाला जाए और उनके साथ कुछ ऐसा ना किया जाए। इंडिया ये तो जरूर कहेगा कि यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी ना करो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बैटलफील्ड में मसले हल नहीं होंगे, इंडिया ये तो जरूर कहेगा। लेकिन अदर देन दैट आप क्या समझते हैं इंडिया कुछ करेगा? नेवर एवर। इंडिया को बड़े अच्छे से पता है हमने अपना इंटरेस्ट क्या देखना है, और वैसे भी ये बहुत बड़ी ग्रेट गेम है यार, ये यूरोपियंस, अमेरिकन्स, रशियंस, ये बड़े और पैमाने पे सोच रहे हैं। हमारे एशियंस को तो अभी पता ही नहीं है ये करना क्या चाहते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग एशियंस को तो पता ही नहीं है ये करना क्या चाहते हैं और क्या है, ठीक है जी। ये तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ये चीजें हैं जिसको मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है जी। ये जो है ना, ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता है कि हमने पुतिन को क्या कहना है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर वहाँ साथ बैठा हुआ है तो वो क्या बता रहे हैं मोदी साहब को? वो बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं उनको कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे कोई बंदा किसी बंदे को जो है ना नौकरी पे नहीं रखता। मोदी साहब ने दूसरी दफा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जयशंकर के साथ। आप क्या समझते हैं, ठीक है जी, आप क्या समझते हैं ये कोई आसान काम है, ये कोई आसान चीज है? उन्होंने डॉक्टर जयशंकर उनको जो एडवाइस दे रहे हैं वो कोई छोटी मोटी एडवाइस थोड़ी दे रहे हैं ऐसे, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबियां हुई हैं तो कर रहे हैं ना वो, सो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दुनिया कहती है और क्या नहीं कहती और क्या है और क्या नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ बिल्कुल सही कर ली हुई है, उनको पता है हमने क्या करना है। सो जो मर्जी कहते रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी कहते रहे कुछ भी, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करेगा एंड वॉच करेगा। इंडिया किसी और मुल्क, इंडिया ना ज़ेलेंस्की के अंडर प्रेशर आता है, इंडिया ना किसी और के अंडर प्रेशर आता है, इंडिया को इस चीज़ का बड़ा अच्छे से पता चल गया हुआ कि ज़ेलेंस्की जो है ना, और बहुत सारे इवन ममालिक जो हैं वो ज़ेलेंस्की को सीरियस ही नहीं लेते। वो शुरू शुरू में तो ये बात हुई कि जनाब ये
सियाना नहीं है, ये एक्टर था, ये था, ठीक है ना जी। और जेलेंस्की ने जितनी भी बात करनी है बड़े केयरफुल होकर बात करनी है, उसकी वजह यह है कि जेलेंस्की बार बार इंडिया आता था और यहाँ बार बार नरेंद्र मोदी से बात करता था, ठीक है, किस लिए, ताकि मामलात को ब्रेक दिलाई जा सके, रशिया को रोका जा सके। मोदी साहब नहीं रशिया को रोक सके, पुतिन के अपने डिजाइन हैं यार। पुतिन नरेंद्र मोदी से पूछ के फैसले थोड़े ही करता है, एंड मोदी साहब पुतिन को पूछ के या बाइडेन को पूछ के फैसले थोड़े ही करते हैं। और फिर ये भी कि वो अगर रशिया उतरते हैं, रशिया पहुंचते हैं, तो उसके साथ ही अगला उनका विजिट वो घर वापस जाए बगैर सीधे पहुंचते हैं यूरोप, तो ये उनकी पॉलिसी बता रही है कि वो पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से रिलेशंस बनाएंगे, अगर हमारे रशिया के साथ है तो हम उनको ये कहकर आए कि ये जो जंग है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप ये जो जंग कर रहे हैं इसको ख़त्म करें। ये क्या है उन्होंने, क्यों आप बच्चों को मार रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितना ये पेनफुल है, ये उनके मुँह पर कहकर आए हैं, पुतिन साहब के मुँह पर, मोदी साहब। और फिर उसके बाद वो यूरोप भी चले गए, तो उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है, अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बात की जा रही थी ना। वैसे तो खैर अमेरिका ने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं उन सब में वो उसने यही कहा है कि हमारे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, और वो अगर रशिया गए तो क्योंकि वो बहुत पुराने दोस्त हैं इसलिए वो गए हैं। तो ये क्या फॉरेन पॉलिसी ये वाली पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है, क्या पाकिस्तान ऐसी फॉरेन पॉलिसी चला सकता है कि उसका प्राइम मिनिस्टर जब एक दफ़ा चढ़ता है जहाज़ पर तो वो कई मुल्कों का दौरा करके आए, और पहले मुल्क में जब वो जाए तो वो हो कि जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और उसके बाद वो कहे, उसके मुंह पर जाके कहे कि भाई ये तुम सही नहीं कर रहे हो जो तुम कर रहे हो, और फिर उसके बाद वो अगला विजिट उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी देखें, एक तो जाहिर है ये बात तो है, आप अगर ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं कि देखें कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्टेचर है ही नहीं इंडिया पाकिस्तान का जिसका कंपैरिजन किया जाए, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप दो मिनट के लिए फर्ज कर लें कि वैसा स्टेटस है भी पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये वाला करेगा, ये वाली 75 ईयर्स में आपने वो पॉलिसी अपनाई है कि जिन जिनको आपने अपना दोस्त कहा वो सब के सब अब आपके दुश्मन बन चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान पत्रकार हैं उनको सुना है, उनका यही कहना है कि भारत जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी जनता को ध्यान में रखकर, अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाता है, और फिर उसी हिसाब से काम चलता है, काम आगे करता रहता है, किसी के दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं आता है, और वो साथ में कंपैरिजन अपने पाकिस्तान का करते रहते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की तो कोई फॉरेन पॉलिसी है भी नहीं, कंपैरिजन करे तो भी किसका करे। यहाँ पर जो मेन चीज़ उनका कहना यह है कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है ना रूस को विजिट किया, उसके बाद वो यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया चले गए, वहाँ पर 41 साल में उनका दौरा हुआ किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का। तो ये जो सारी गेम थी ना, ये गेम जो है ना इंडिया ही खेल सकता है, किसी और के बस की बात नहीं। अब देखिए, भारत हमेशा हर मामले में न्यूट्रल रहता है, भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर काम करता है, तो भारत इस प्रकार का काम कर सकता है। अब यहाँ पर ना तो अमेरिका भारत के ऊपर कोई दबाव डाल सकता है, ना यूरोप कोई दबाव डाल सकता है। इससे पहले भी रशिया का ऑयल ख़रीदा भारत ने, तो भी हालांकि वेस्टर्न जितने भी कंट्री हैं वो एक तरीके से दबाव डालते ज़रूर हैं, लेकिन बात वही है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी जनता को ध्यान में रखकर बनती है और उसी प्रकार से काम होता है। तो यही डिस्कशन आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर हो रहा है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।